बीघे का मेरा खेत है। अब खेत की कंडीशन आपके सामने है, हमारे पास में बड़े कृषि यंत्र है, उससे सब कुछ करके दिखाऊंगा। लानी नहीं जी, मट्टी लानी नहीं ना जी, अभी मट्टी आओगी कम से कम 72 दिन बाद। गन्ने की बुआई करे, भूमि शोधन का भी काम करे और बीज शोधन का भी करे, और उसमें बिल्कुल आधा गन्ना ऊपर का बीज उपचारित करके बोया जाए, तो वो अगली बार के लिए 0238 भी बचेगा सर। 238 इतनी अच्छी वैरायटी है, किसानों को जीवा दिया इसने। दोस्तों मैं अंकुर चौधरी, आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं राहुल भाई के खेत पे, जो यूट्यूबर है, और उनका खेत प्लॉट देखिए कितना शानदार है। और आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस खेत में अभी क्या क्या किया है, किस तरह से इसकी जुताई की है, पूरी डिटेल में आज राहुल भाई बताएंगे आपको। और इसमें अब तक उन्होंने किस किस कौन कौन सी फर्टिलाइजर, क्या क्या कार्य है, किस तरीके से इन्होंने इसकी बुआई की है, टोटल आज आपको हमारे राहुल भाई जानकारी देंगे। थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता दें, ये जो डिस्टेंस है इसकी 4.5 फीट की डिस्टेंस है, और 0238 और 13235 वैरायटी इन्होंने लगा रखी है, 15023 भी कुछ वैरायटी इन्होंने अपने खेत में लगा रखी है। तो आइए चलो बात करते हैं राहुल भाई से। नमस्कार राहुल भाई। नमस्कार जी, और क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया, और आप ठीक हो? हाँ जी बढ़िया जी। तो हमें पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। भैया मैं राहुल शिवाज, अपना यूट्यूब पर चैनल भी है फ्रेंच के गन्ने की, और किसानों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी लाता हूँ जानकारी की। तो भाइयों ये गन्ना लगा है यूट्यूब के माध्यम से, देख के आपका पहली बार 18 बीघे, और जो गेहूँ की बुआई कर रहा है वो भी ढंग से कर रहा है जी। तो ये जो गन्ने की बुआई है भाइयों मेरी 26 मार्च की है, लगभग इसे 1 महीना पूरा हो गया। तो आप इधर दिखाओ, देखो क्या है, पहले तो इसमें देख लो कितना अच्छा हो रहा, ब्याज वगैरह देख लो, और मैं इसमें फिर लागत भी बताऊंगा। लागत तो भैया हमने जो हमारी फैक्ट्री से मिला था दौड़े से सिंगल सुपर फास्फेट यूरिया था, हमने बुआई में डाला था, और उससे बाद में फिर मैंने इसमें सिर्फ एक बार यूरिया के साथ में सल्फर लगाया भैया 3 किलो। ये 6 बीघे का मेरा खेत है। अब खेत की कंडीशन आपके सामने है, जो हमारे किसान भाई इसमें जैसे फंगिसाइड के लिए बुआई के समय पर डाल दे, कीटनाशक के लिए डाल दे, हमने कुछ नहीं डाला, ऐसा कर दिया बिल्कुल। अब इसमें कुछ नहीं करा, तो अंकुर भाई से पूछ रहे मैं अब क्या करा इसमें, कभी कुछ गड़बड़ी हो जा तो खेत दिखाओ भैया अभी क्या स्थिति है इसमें देख के बताओ। देखिए राहुल भाई, जैसे आपने अभी बताया कि आपने इसकी प्लांटिंग पे सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि रामबान का प्रयोग किया था, कुछ शुरू में आप हिचकिचा रहे थे रामबान के उससे। हाँ जी, कि नहीं, हमारे यहाँ डाई लगा रहे जाते लोग डीएपी, और डीएपी के साथ में रिजेंट वगैरह डाल लेते जी, तो सिंगल सुपर फास्फेट इसका हल्का रह जा फिर भी डीएपी के सामने जी। तो उसमें हमने फिर यूरिया का ले लिया, नाइट्रोजन उससे मिल गई, और सिंगल सुपर फास्फेट में ये सल्फर है आपका, हाँ सल्फर कैल्शियम हमें जो है बेसल डोज में हमें सल्फर और कैल्शियम। तो इसका भैया एक विचार बनाया हमने कि इसकी ज्यादा डोज कर ले। अच्छा, और इसे हम फिर मिट्टी चढ़ाने पर डालेंगे। अच्छा, दोबारा मिट्टी चढ़ाने पर डाल दे, दो बार डालना पड़ेगा डीएपी, हम जो थे एक बार डाल देते। तो जर्मिनेशन तो वैसे आपके खेत में बहुत अच्छा हो रहा है जी, जी। तो जैसे आपने इसकी अब ये जुताई की है जी जी भैया, उसके बारे में और बताना चाहूंगा मैं। 7 फुटर रोटावेटर है अपना, और उसी के इस पे मैंने इसकी बुआई करी थी 48 इंच में। 7 फुटर रोटावेटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाता है, इसके बीच के ब्लेड खोल ले गए, और ब्लेड खोल के जुताई आप देख लो, इसमें मैंने गोड्डो गोड्डो बांध कर दिया बिल्कुल, दोनों लिफ्ट नीचे डाल के करा गया। तो खेत जो मेरा 2 घंटे में भराता है 6 बीघे, अब की बार में 5 घंटे में भरा। पानी कहने का मतलब ये है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि जो हम गन्ना जो ट्रंच पे बो रहे हैं वो जिसके पास इम्प्लीमेंट है वही गन्ने की खेती कर सकता है। हमारे पास में बड़े कृषि यंत्र है, उससे सब कुछ करके दिखाते हैं। बड़े से ही इन्होंने जो है अभी इसकी जो निराई गुड़ाई बड़े ट्रैक्टर है, बड़े ट्रैक्टर से की है, और उसकी वीडियो जल्दी आपको मिलेगी, बहुत अच्छी वीडियो है। चैनल पर पड़ी है राहुल शिवाज के, राहुल के भाई के चैनल पर पड़ी है, और हम भी जल्दी से दूसरे खेत में इनकी जो है उसमें सारी प्रक्रिया दिखा रखी, कहाँ से ब्लेड खोलना, क्या प्रक्रिया करनी, जुताई करते हुए भी सब कुछ है। तो राहुल भाई, जैसे आपके खेत में बहुत अच्छा जर्मिनेशन हो रहा है जी जी, और डिस्टेंस यानी कि खेत बहुत सुंदर लग रहा है, जिस तरीके से खेत बिल्कुल निराई गुड़ाई अच्छी हुई पड़ी है, आप जुताई भी होगी है जी जी। तो ये जैसे आपकी जो अभी आपने इसकी जुताई करी है, और आपकी जो नाली है यानी कि जहाँ पे पोगे है यहाँ पे अभी आपकी मट्टी नहीं आई। मट्टी तो जान के नहीं आई ना, इसको मैंने ऊपर रखा था, मट्टी भी लानी नहीं जी, मट्टी लानी नहीं ना जी, अभी मट्टी आओगी कम से कम 72 दिन बाद। उसका थोड़ा सा हमारे किसान भाई अभी इसमें जो है देखो, जो छोटे ब्याज के देखो जैसा ब्याज, अगर हम इसे मट्टी को बिल्कुल बराबर कर देंगे तो हमारा ब्याज में होगा। नहीं, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि मैडा मार देते हैं बिल्कुल, एक सार पट खेत कर देते हैं। नहीं, ट्रेंच पे नहीं मैडा मारना चाहिए, ट्रेंच पे मैडा नहीं मारना चाहिए। जब हम 1 फुट गहरा बो रहे ट्रेंचर से बोया जी,
मैडम मार देंगे तो कहाँ से जर्मिनेशन आओगे? जर्मिनेशन भी दब जाएगा और दूसरी बात भी निकल पड़ेगा, ब्याज नहीं निकलेगा, फेल हो जाएंगे। आगे जो बंधाई होगी गन्ने की, देखो इसमें 60 दिन तक हमें जर्मिनेशन का मतलब ब्याज का ध्यान रखना, हमारा बिल्कुल लाइन कहीं भी खाली ना रहे, चाहे हमें इसमें फिर मतलब पेंडे वगैरह। राहुल भाई आपका आपके पहली बार ही है? पहली बार बोया जी मैंने, तो मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बनाई, काफी किसानों से मिला, समझदार से, उनसे कमेंट भी आवे, मैं वीडियो बनाऊंगी भाई मुझे कमेंट करके बतावे भाई ये कर लो इसमें आपकी बार ये कर लो, बाकी मैं फोन पे भी बात करता रहता हूँ। और एक किसानों के लिए कम लागत में अच्छी खेती लेने का मेरा पर्पज है, ना तो मैं किसी दवाई का एडवर्टाइज करता, फलानी डिगड़ी लगा लो, मेरा खुद खेत है सामने देख लो, इसमें सिर्फ बुआई में कुछ नहीं डालना, अब सोच रहा है मैं कीटनाशक का किस स्प्रे करूंगा। तो आपको जो है आप खेती कर रहे हो, आपको जानकारी और वैसे कहाँ से कैसे प्राप्त? हम तो छोटे से ही लग गए थे, 10-12 साल के 14 साल के छोलना शुरू हो गए थे। नहीं ब्रंच पे जो आप आए हो, ब्रंच पे तो भैया मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे गया, काफी किसान से मिला, एक से एक किसान है अच्छे अच्छे, जब उनके यहाँ गन्ना देखा, उनसे बातचीत करी तो ट्रंच की मन में आई। अब देखो फायदा है ट्रंच का, मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा, एक हमारा 5 फुट का भी अगर डंडा है, अगर आप उसे एक बिनांत गहरी मट्टी में दबोगे नहीं रुक पानेगा वो जी, और वो बारिश बारिश आओगी जाए आओगी शुरू की बारिश में गिर जाएगा, फिर उसे बदल जाएंगे तो उठा देंगे जड़ फट जाएगी, तो वो कहाँ से ग्रोथ करेगा फिर आगे? तो अब इसमें आपने पानी लगा दिया? हाँ जी, पानी आपने खुड़ो खुड़ लगाया जी जी, है बिल्कुल नाली रो बाई रो नाली में करा, लेकिन ये तो जब सारी जुती हुई थी तो इसमें तो फिर नमी ले ली, नमी तो आ गई लेकिन पानी रो टू रो चला। और अब इसमें आप क्या करना चाहोगे? अब इसमें कुछ कीटनाशक सोच रहा, मैं ये बात करना चाह रहा, नहीं कुछ तो लगा दिया जाए। नहीं मैंने तो आपसे बताया कि भाई इसमें अभी कीटनाशक की वैसे आवश्यकता तो है नहीं। नहीं अब ऐसा ना कीट आवेर का हमारे बेकूफ बन जाए। नहीं एक बेकूफ नहीं बनेगा, जब कीट देखो कीट की एक वो होता है, समय होता है, सही बात है। अभी देखो पछुआ चल रही कीट जो है हमारे, ये नहीं समझते कि कब हमें दवाई डालनी चाहिए कब नहीं डालनी चाहिए, बस अपना रूटीन बना रखा। हाँ, वो रूटीन। एक बात बताओ, आप इतना डंगा नीचे गिर रहे, जब ये हमारा पौधा पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले आप इतना इंतजाम कर रहे, तो वो डोज आप दे दो ना इसे। सही बात बिल्कुल। अब क्या दिक्कत है बताओ? बिल्कुल सही बात है, हम तो किसी को कमेंट तो करते नहीं, अपने हिसाब से खेती कर रहे, सब स्वतंत्र है। नहीं मैं तो हम तो अपने हिसाब से, मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर जो आपके खेत में अभी कीड़ा नहीं है तो आप क्लोरोपाइरीफोस या लैम्डा इनकी आप हल्की स्प्रे कर सकते हो, और थोड़ा दिन वो 15 आप 10 से 15 दिन या 20 दिन आपका वो रोक देगी, और जून में आप जो है कोरोजन का बाद में कोरोजन का एक स्प्रे मार दो तो आपका एक टाइम पीरियड बन जाएगा। क्योंकि एक अंकुर भाई एक बार ये और दिखाना चाहूंगा मैं जी, जो 38 वैरायटी है हमारी जी, हमारे यहाँ पे हमारे क्षेत्र में पश्चिम में मेरठ जिले के आसपास में जी, देखो हमारे यहाँ रेड रोड तो है नहीं जी, और 38 को किसान बेकार कर रहे, तो मैंने एक वीडियो भी डाल दी थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि 38 के मैं खुट दिखाना चाहूंगा आपको। 38 के खुट देख के आप खुद बताओ, ये देखो यहाँ से जो है ये 8 फुट जो है 6 मार्च की बुआई है, 6 मार्च जी, चमक रहा हूँ आपको। हाँ हाँ अलग ही चमक रहे। आ जाए तो इसमें जो है 5 खूड 38 के है, 0238 के। अच्छा, और भाई ये मुजफ्फरनगर से मैं लेकर आया था 100-13-235। अच्छा, आप दिखाओ वीडियो में, देखो इसमें 38 में धरती आसमान का अंतर है, बताओ कौन कह रहा कि 13235 को फेल कर ले, मतलब 13235 0238 को नहीं कर सकता फेल, मैं तो मानता नहीं। नहीं देखो 0238 वैरायटी एक वैरायटी अच्छी है, और दूसरा मैं आपको बताऊं, आप ये बता रहे हो 13235, देखिए अभी लाए हो आप, नए वातावरण है, नई जगह है, नई मिट्टी है, तो कोई भी वैरायटी जब नई जगह जाती है तो उसको थोड़ा सा वहाँ का वातावरण। असल में मैं एक चीज बताना चाह रहा भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हमारे किसान जो है एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया, लोगों ने बिजनेस बना लिया, लोग बागों ने कई कई लाख के गन्ना बेच दिया, तो अभी किसान इसे देखे 13235 को भी आफत न खराब होने की, और अपनी वैरायटी को 0238 को बचावे, 0238 को बचावे, सही तरीके से ट्रीट करे। बनाई थी अपने चैनल पे, वो भी वीडियो है, जैसे हमारे फैक्ट्री वाले ट्राइकोडर में दे रहे, तो 1 बीघा जो है अपना, जैसे आप गेहूं कटाई होगी उसमें जो अपने गन्ने की बुआई करे, भूमि शोधन का भी काम करे और बीज शोधन का भी करे, और उसमें बिल्कुल आधा गन्ना ऊपर ऊपर का बीज उपचारित करके बोया जा, तो वो अगली बार के लिए 0238 भी बचेगा सर, तो किसानों को। नहीं ये बिल्कुल आपकी अच्छी सोच है, जैसे भाई जैसे ट्राइकोडर्मा है, इस चीज का आप प्रयोग करें, मिट्टी में मिलाए, भूमि शोधन करें। दूसरा जो देखो 1 बीघा हर एक किसान कर सके, 1 बीघा हर किसान कर सकता है, और बीज को सही तरीके से बनाए, बिल्कुल बिल्कुल, और आने वाले समय में उसको ही बोए। 38 इतनी अच्छी वैरायटी है, किसानों को जीवा दिया इसने, बहुत अच्छी वैरायटी, ऐसी वैरायटी अभी ना आई और ना आएगी, कोई जमने का जी अभी, बिल्कुल सही। इसके लिए 1 बीघा गन्ने के लिए किसान काम कर सके, बिल्कुल, और मैं इसके पे वीडियो भी लाऊंगा और उसे तैयार भी करूंगा आपके। तो राहुल भाई हमारे चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया हमारे द्रोड़ा से अंकुर भाई
और दुराड़ा फैक्ट्री में कार्यरत है और काफी फील्ड में किसानों के पास में जाते आते भी रहे। ये तो है नहीं दोपहरी में कहीं घेरों में लौट रहे, तो देखो दोपहरी हो रही 12-1 बज रहा, फील्ड में काम कर रहे अच्छा अच्छा, किसानों को नॉलेज भी देते हैं। MSC एग्रीकल्चर से है भैया जी, तो हम भी बुला के आज भुजाम का पेटी वेटी में बताओ भैया जी हमें या इसमें क्या स्प्रे करना। तो इनका कृषि की बात के नाम से चैनल है, अच्छे अच्छे समय फंजीसाइड के लिए कीटनाशक के लिए जानकारी भी देते हैं समय समय पर, तो भाइयों इन्हें भी सपोर्ट करो, हम तो ये कहना चाहूँगे बढ़िया वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे राहुल भाई और आज हम इसके प्लॉट पे आए थे और इन कमेंट करके बताइए कैसा हो रहा है हमारा, और इनकी कमेंट जरूर करना क्योंकि राहुल भाई भी कमेंट पढ़ते हैं हमारे, और आपको बताना है कि इनका गन्ना कैसा होना है, और जरूर चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।